हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में फिर से एवो रिच के बारे में बताना चाहता हूँ। जो यहाँ पर जो एक निगेटिव न्यूज़ आई है उसके बारे में, तो देखिए, सबसे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, जब भी कोई अच्छा काम होता है, कोई भी आपके आसपास पड़ोस में अगर कोई भी व्यक्ति ज़्यादा आगे निकल जाता है तो लोग उसकी टांग खींचने लगते हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि वो कभी आगे ना निकल पाए। ऐसा नहीं चाहते हैं लोग कि उसको टांग बगैर टांग खींचे हम उससे आगे निकल जाएं, ऐसा कभी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल रास्ता होता है किसी की टांग खींचने का और अपने आगे बढ़ जाने का। लेकिन अगर हम मेहनत करके अगर उससे आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बारे में सारी जानकारी हमें लेनी पड़ेगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो अभी जैसा कि यहाँ पर आया रूस में धोखाधड़ी के आरोप में एवो रिच के हिंदी और तो गिरफ्तार। तो देखिए, अभी बहुत काफ़ी दिनों से जो बिजनेस चल रहे हैं काफ़ी, देखिए अगर एक तो यह है कि आप अगर जल्दी से किस कोई भी इन्वेस्टर है अगर उनका रिटर्न नहीं मिलेगा तो फिर वो कोई ना कोई उसमें ऐसे होते हैं सनकी सोल्जर जो निगेटिव न्यूज़ भी फैलाते हैं और कहीं ना कहीं कंप्लेन भी करते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा जो निवेश करते हैं करते ही रहेंगे, कोई रिटर्न नहीं मिलेगा जल्दी तो फिर लोग क्या घबराने लगते हैं और फिर वो कंप्लेन भी करने लगते हैं, निगेटिव न्यूज़ भी फैलाने लगते हैं कि ये धोखाधड़ी या घोटाला कर रहा है, ये ऐसा वैसा, ठीक है। तो अभी एक साल पहले आपने ये सुना था कि XRP के जो CEO हैं उन पर केस किया गया है कि उन्होंने भी धोखाधड़ी की है XRP का। उस समय रेट 40 से ऊपर था और फिर वहाँ से रेट गिरा 17 रुपये तक आ गया था, ठीक है। तो ऐसा होता है जब कभी कोई अच्छा काम होता है तो उस समय कोई ना कोई आपकी टांग खींचता ही है, ठीक है, और उसके बारे में फिर जांच होती है, फिर सही भी पाया जाता है, फिर और भी रेट बढ़ता है। अभी करंट रेट XRP का देखिए 65 चल रहा है, जबकि और भी ऊपर जाकर वो नीचे रह रहा है। अभी तो सभी क्रिप्टो का मार्केट डाउन चल रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हो सकता है अभी देखिए अभी अगर लोग क्या करेंगे CRU सेल करेंगे, क्योंकि CRU ही लोगों के पास है अभी। WCRU तो है लेकिन वो अनब्लॉक है, अनब्लॉक मतलब नहीं है, होगा भी तो कहीं सेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी कहीं लिस्टेड नहीं है, उसके बारे में बात चल रही। अगर ये निगेटिव बात है, ठीक, तो बहुत से कंपनी के CEO हैं, बहुत से कॉइन्स के CEO हैं, उनके साथ भी टाइप हुआ है, ठीक है, पार्टनरशिप हुई। अगर ऐसा होता तो उनके साथ कभी पार्टनरशिप नहीं होती, ठीक है, और आगे फ्यूचर में अगर ऐसा होता है तो फिर नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसा कोई घबराने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं नहीं हम यहाँ से बिल्कुल इसको छोड़ देंगे, काम नहीं करेंगे, किसी को भी इनवाइट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता ही रहता है हमेशा, कोई भी अगर आगे बिजनेस बढ़ता है तो उसके पीछे टांग खींचने वाले, और ऐसा इंडिया में तो बहुत होता है जबरदस्त। जब कोई MLM प्लान या ऐसी कोई कंपनी आती है और वहाँ से लोग पैसे कमाते हैं तो कोई ना कोई उनकी कंप्लेंट ज़रूर ठोक देता है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगती है उस समय ही। जब तक वो ग्रो नहीं करती है तब तक कोई भी कुछ, जैसे मैंने कि 1.5 साल पहले एक वीडियो बनाया था और मैंने उनसे कहा था कि उस वीडियो में बताया था कि अभी तक जो स्काईवे चल रहा था उसके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं आती, सभी लोग CRW चिल्ला रहे हैं। तो एक महानुभाव उन्होंने कमेंट किया, क्या कमेंट में ये लिखा कि तू 17 बिजनेस करेगा तो तुझे कहाँ से पता चलेगा। वो ज़रूरी है, मैं 17 बिजनेस करता हूँ वो भी ज़रूरी है, ठीक है, 17 बिजनेस करता हूँ तो उसकी खबर भी रखता हूँ ना। अब शादी आपके घर में है, अगर पड़ोसी कोई बताएगा कि उनके घर में शादी है तो ये अच्छा नहीं है ना, तो बता देना, तो तुम्हें ही पड़ेगा ना कि वहाँ पर क्या चल रहा है कि तुम्हारे घर में शादी है, ठीक है ना। तो ये बात होती है कि जहाँ से जो बिजनेस लीक हुआ है, जो प्रमोशन किया है जिन्होंने, वहीं से ही न्यूज़ मिलनी चाहिए कि स्काईवे इन्वेस्ट ग्रुप में क्या चल रहा है क्या आगे, तो उसकी कोई न्यूज़ ही नहीं। तो लोग शक करते हैं ना कि आखिर दोनों कंपनियों में, ये दोनों एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में लोग क्यों आ गए हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसा होता ही है, ठीक है।
तो इसलिए कुछ भी यहाँ पर निगेटिव न्यूज़ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई अगर ऐसा जैसे स्काईवे है तो अगर निगेटिव होता है, इसमें कोई भी गड़बड़ घोटाला होता तो ये दुबई में ये टेक्नोलॉजी नहीं लगती, ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रिक्ट कंट्री है दुबई, जहाँ पर ये टेक्नोलॉजी लगी हुई है, ठीक है। अब इंडिया में तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे चलते हैं, रनअप हो जाते हैं, और जब उन्हें सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है, धड़ल्ले से चलने लगते हैं, लोग पैसे कमाने लगते हैं, तो उनके बारे में कोई ना कोई निगेटिव न्यूज़ आती है और वो बंद करा दिए जाते हैं सर। जैसे आपने नाम सुना था ये क्रिप्टो करेंसी का, यूनोकॉइन, ठीक है। यूनोकॉइन ने 2017 में क्या सभी को पता है कि उन्होंने जो ATM लगाने शुरू करे थे, और सभी लोग जितने भी इन्वेस्टर थे, उन इन्वेस्टर को जिन्होंने यूनोकॉइन में साइन अप किया था, उनको डेबिट कार्ड दिए थे कि आप बिटकॉइन को कहीं भी किसी भी जहाँ भी ये ATM लगेगा वहाँ से डेबिट कार्ड से आप पैसे निकाल सकते हैं, यदि आपके बिटकॉइन में पैसा पड़ा हुआ है तो। लेकिन किसी ने कंप्लेन कर दी उनकी, तो क्या हुआ, सारे ATM सब बंद करवा दिए गए, वहाँ पर जो लोग थे उनके डेबिट कार्ड छीन लिए गए, उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये कैसी पॉजिटिव न्यूज़ थी ना, लेकिन निगेटिव में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इसके ATM नहीं है? इसके ATM भी हैं, सब लेन देन हो रहा है, पूरी कंट्री बन रही है, लोग सैलरी इससे लेते हैं, लोग फीस जमा करते हैं, इससे शॉपिंग करते हैं, सब क्रिप्टो करेंसी से ही तो होता है। ऐसा तो होता नहीं है कि इंडिया से हम गए फॉरेन में, वहाँ पर हम पैसे से कोई लेन देन करते हैं, हम INR से कोई वस्तु खरीदते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो वहाँ पर कोई भी देखिए, अगर कोई झुलसा हुआ आदमी है और वो चोट खाया हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं कंप्लेन करता ही है, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी ये गूगल फॉर्म आप सभी लोगों को मिला हुआ, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि मैं API का स्टूडेंट हूँ, और जो एंड्रे सर जो कर रहे हैं उस अच्छा कर रहे हैं, या जो भी आप अपने बारे में लिखना चाहें तो उसमें फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप आगे भी ऐसा चाहते हैं कि सभी के साथ फ्रॉड ना हो, ठीक है, अभी सब निगेटिव चल रहा है, धीरे धीरे सब पॉजिटिव हो जाएगा, सॉल्यूशन भी होगा इसका। ऐसा नहीं है पूरे वर्ल्ड से जितने भी निवेशक हैं वो सब निवेश खराब जाएगा, बेकार जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। निगेटिव न्यूज आती है फिर पॉजिटिव भी न्यूज आती है। क्या बिटकॉइन की निगेटिव न्यूज नहीं आती है? बिटकॉइन की भी निगेटिव न्यूज आती है। हर जो भी कोई भी क्रिप्टो जब पॉजिटिव जो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है तो उसकी निगेटिव न्यूज आती ही है, और वो निगेटिव न्यूज इसलिए फैलाई जाती है ताकि जो वे लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जब निगेटिव न्यूज फैलाते हैं, और उसमें ज़्यादातर उन लोगों का हाथ होता है जो निगेटिव न्यूज़ छापते हैं, पब्लिश करते हैं, जैसे सोशल मीडिया है, पत्रकार हैं, ये सब, तो उसमें उनको पैसे दे दिए, निगेटिव न्यूज़ फैला दी भले ही एक दिन के लिए, लेकिन उस निगेटिव न्यूज़ से इंडस्ट्री जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में है बहुत ज़्यादा गिरावट आती है, और वही गिरावट में जो वे लोग हैं उनकी क्रिप्टो करेंसी को वाइव कर लेते हैं, और उसमें जो नए इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट करते हैं वो लोग खरीद ले मतलब सेल कर देते हैं डर की वजह से, क्योंकि वो नए नए होते हैं, उनको डर लगता है कि यहाँ पर कुछ भी बुरा हो सकता है, मुझे यहाँ इस इंडस्ट्री में नहीं आना चाहिए था, लेकिन आ गए तो अभी सेल कर देना चाहिए, क्योंकि उनको पूरी जानकारी नहीं होती है, वो नए होते हैं इसलिए, और वे लोग उनको जानकारी होती है कि हमको कब निगेटिव न्यूज़ फैलानी चाहिए, कब हमें पॉजिटिव न्यूज़ लाना चाहिए। तो अभी पॉजिटिव न्यूज़ धीरे धीरे आ रही है, तो धीरे धीरे जो बिटकॉइन है रेट बढ़ रहा है, उसके साथ साथ में अल्ट कॉइन का भी रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, और अब जब बढ़ेगा रेट तो सीधे फिर 50-60 लाख नहीं सीधा 1 करोड़ जाएगा बिटकॉइन का रेट, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी का सोल्यूशन एक बार आता है, इनका भी इनकी जो इंक्वायरी चल रही है कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे बिजनेस करते हैं, उसके बाद सारी पॉजिटिव न्यूज आएगी। तो अभी आपके पास यदि CRU है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, तो उसको आप मतलब CRU की बात कर रहा हूँ, तो आप उसे बिल्कुल भी सेल ना करें, होल्ड करें। ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम सेल कर देंगे आगे, हाँ हो सकता है इस निगेटिव न्यूज़ की वजह से 50 पैसे भी रेट आ सकता है, उससे और भी डाउन जा सकता है, लेकिन आप के पास यदि CRU है तो आप उसे होल्ड करके ही रखें आगे फ्यूचर में, अगर ये निगेटिव होगा तो और एक्सचेंज पर
ये नहीं आता अभी, जैसा कि एक्सचेंज पर लिस्टेड है, और भी जैसे बाइनेंस एक्सचेंज पर आने के लिए है, कोइन जीको पर आएगा, ठीक है, सभी एक्सचेंज पर आएगा, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी एल बैंक पर लिस्टेड है, CRU, ठीक है, लोकल ट्रेड पर लिस्टेड है, और ठीक है। तो आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। फिर भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट है, क्लियर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं और सभी लोगों को ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी कोई डर वाली ऐसी बात ना लगे कि नहीं, वो भी लोग इससे डर जाए और निगेटिव न्यूज़ फैले। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।